वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 1 अगस्त 2018 और 1 अगस्त 2018 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। और मैं अनअकैडमी भी पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उस पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। मैंने अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके भी मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। और जो भी वीडियो मैंने वहां पर अपलोड किए हैं उन्हें आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मोबाइल तिहार योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये शुरू की है छत्तीसगढ़ ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये मोबाइल तिहार योजना है क्या, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने संचार क्रांति योजना के तहत एक नई मोबाइल वितरण योजना शुरू की है और इसका नाम रखा है मोबाइल तिहार योजना। अच्छा, ये योजना है क्या? तो इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ की 45 लाख महिलाओं को मोबाइल बांटे जाएंगे, साथ ही 5 लाख बच्चों को भी मोबाइल बांटे जाएंगे और छत्तीसगढ़ में 556 नए मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने मोबाइल डिस्ट्रीब्यूट करके इस योजना की शुरुआत भी कर दी है। अच्छा, इतना सब किया जाएगा तो इस योजना का मेन मकसद क्या है? जब भी कोई योजना लॉन्च की जाती है तो उसका कुछ ना कुछ पर्पज होता है, कुछ ना कुछ मकसद होता है। तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है पूरे छत्तीसगढ़ में नेटवर्क कनेक्टिविटी को अच्छा करना और बेहतर करना, इसीलिए ये योजना शुरू की गई है, मोबाइल तिहार योजना। अब ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने शुरू की है, तो आप मैप में देखिए, ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं रमन सिंह और छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं बलराम जी दास टंडन। तो इतना आपको छत्तीसगढ़ के बारे में पता होना चाहिए। और जब भी छत्तीसगढ़ का नाम आया है एक सीक्वेंस मैंने आपको याद कराया है, अगर आपको याद है तो आप मेरे साथ साथ बोलिए। छत्तीसगढ़ कौन से नंबर का राज्य बना था? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर 26वें नंबर का राज्य बना था। 27वां कौन सा बना था? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से अलग होकर। 28वां कौन सा बना था? झारखंड, बिहार से अलग होकर। और 29वां कौन सा बना है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। और तेलंगाना कब बना है? 2 जून 2014 को। तो ये 26वां, 27वां, 28वां और 29वां राज्य, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। कई बार मैं आपको याद करा चुका हूं, ये सीक्वेंस अब आपको याद हो जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। कल के वीडियो का हमने टारगेट रखा था 25,000 लाइक का, आपने वो टारगेट पूरा किया और बहुत सही टाइम में पूरा किया। तो आज फिर हम इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 25,000 लाइक का और देखते हैं कि ये टारगेट आप कितने टाइम में पूरा कर पाते हो। अच्छा, मेरा टारगेट क्या है, कभी आपने सोचा? मेरा टारगेट ये है कि ये टारगेट दिन में 12 बजे तक पूरा हो जाए। और मैं हर दिन इस वीडियो को इंप्रूव कर रहा हूं, इसमें नई नई चीजें ऐड कर रहा हूं। मैंने आपको बोला आपको बस इतनी सी हैबिट डेवलप करनी है, मॉर्निंग में उठकर इस वीडियो को देखना है। मैंने आपको बोला था कि आपको बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो को देख लेना है। अगर आप इतनी सी हैबिट आप डेवलप कर लोगे तो किसी भी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता और जीके की बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। कभी आपने सोचा मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठकर इस वीडियो को अपलोड कर देता हूं? और आपको बस इतनी सी हैबिट डेवलप करनी है कि मॉर्निंग में उठकर इस वीडियो को देखना है। अगर आप इतना करते रहोगे तो आप देखना आपका किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक जरूर किया करो। और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें इस वीडियो को शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बन गई है रिलायंस, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले आपको इसी टाइप का एक क्वेश्चन बताया था कि चौथी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई थी एससीएल, विप्रो को पीछे छोड़कर चौथी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई थी एससीएल। और जब मैंने ये आपको बताया था उस टाइम मैंने आपको बताया था इंडिया की पहली सबसे मूल्यवान कंपनी थी टीसीएस, दूसरे नंबर पर थी इंफोसिस, तीसरे नंबर पर थी रिलायंस और चौथी बनी थी एससीएल। लेकिन अब रिलायंस ने टीसीएस को पीछे छोड़ दिया है, तो रिलायंस अब पहले नंबर पर पहुंच गई है और टीसीएस दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। तो अब आपको यह याद रखना है, रिलायंस इंडिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल भारत थिंक टैंक शिखर सम्मेलन कहां शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है काठमांडू में, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
अब यहां से सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो इसका उद्घाटन किया है नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने। ध्यान रखना प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर ने इसका उद्घाटन नहीं किया है, नेपाल के पूर्व प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल ने नेपाल भारत थिंक टैंक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अच्छा इस शिखर सम्मेलन का पर्पज क्या है? इसका पर्पज है इंडिया और नेपाल के बीच सहयोग बढ़ाना यानी कि कोऑपरेशन बढ़ाना और इंडिया और नेपाल के बीच नॉलेज का ट्रांसफर करना। तो ये दो मेन पर्पज हैं इस शिखर सम्मेलन के। अब यहां पर नेपाल की बात आई है तो आप मैप में देखिए, यह है नेपाल, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, नेपाल की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली और नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। तो इतना आपको नेपाल के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरे ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल का समापन कहां पे हुआ है? तो ये हुआ है डरबन में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तीसरे ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल का समापन हुआ है डरबन में। अच्छा इस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है भनिता दास को और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है न्यूटन को और सर्वश्रेष्ठ जूरी अवार्ड मिला है रीमा दास को। तो ये तीन आपको याद रखने हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वनिता दास, सर्वश्रेष्ठ फिल्म न्यूटन और सर्वश्रेष्ठ जूरी अवार्ड रीमा दास को। अब यहां पे बात हुई है ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल की और ये हुआ है डरबन में। अभी 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भी हुआ था, वो भी हुआ था साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां हुआ? जोहान्सबर्ग में। और तीसरा ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल कहां पे हुआ है? तो ये भी हुआ है साउथ अफ्रीका के डरबन में, वो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ, ये साउथ अफ्रीका के डरबन में हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन जब कंफ्यूज करने वाले होते हैं तो उन्हें आप रिवाइज किया करो, साथ में रिवाइज किया करो, तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब यहां पे ब्रिक्स की बात आई है तो ब्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में, लेकिन साउथ अफ्रीका ब्रिक्स के साथ कब जुड़ा था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने हर बार जोर देकर आपको याद कराया है, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स के साथ 2010 में जुड़ा, ये आपको याद रखना है। अब ये डरबन यानी कि साउथ अफ्रीका में हुआ है ब्रिक्स का तीसरा फिल्म फेस्टिवल, तो आप मैप में देखिए, ये है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की कैपिटल है केप टाउन और प्रिटोरिया, केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है और प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड और साउथ अफ्रीका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HSBC इंडिया के नए CEO कौन नामित हुए हैं? तो ये नामित हुए हैं सुरेंद्र रोसा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है सुरेंद्र रोसा और ये अभी हाल ही में HSBC इंडिया के नए CEO बन गए हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये HSBC क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन और इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। तो HSBC इंडिया के नए CEO बने हैं सुरेंद्र रोसा, इनका नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव कोशिका के नए आकार स्टेरॉयड की खोज की है? तो ये अमेरिका और स्पेन, इन दोनों देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर मानव कोशिका के नए आकार स्टेरॉयड की खोज की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका और स्पेन के वैज्ञानिकों ने मिलकर खोज की है, तो अमेरिका के बारे में आपको पता है, अमेरिका की कैपिटल है Washington DC और अमेरिका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं? 45वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। स्पेन के बारे में आपको बता देता हूं, मैप में आप देखिए, ये है स्पेन, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। क्या है स्पेन की कैपिटल? मैड्रिड। स्पेन की करेंसी है यूरो और स्पेन के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सांचेज, इनका नाम आप याद रखिए, ये इसी साल स्पेन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेन के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सांचेज। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ई अक्षरायण शुरू किया है? तो ये शुरू किया है IT मंत्रालय ने, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब आपके माइंड में तुरंत आया होगा कि ये ई अक्षरायण है क्या, तो ये कंप्यूटर बेस्ड एक सॉफ्टवेयर है, इससे आप स्कैन्ड डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हो, जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करा के अपने ईमेल पर डालते हो, उनको भी आप एडिट कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर की मदद से, और इसको शुरू किया है IT मंत्रालय ने, तो इस सॉफ्टवेयर को आप IT मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आप ध्यान रखना, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप स्कैन्ड डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा कितने जिलों में पर्यावरण सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा?
तो ये 55 जिलों में आयोजित किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। वनस्पति जीव और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर भारत सरकार द्वारा पहली बार ये पर्यावरण सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा, तो ये कितने जिलों में आयोजित किया जाएगा ये आपको याद रखना है, ये 55 जिलों में आयोजित किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन मंच स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये नेपाल के साथ पर्यटन मंच स्थापित करने का निर्णय लिया है इंडिया ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इंडिया ने नेपाल के साथ पर्यटन मंच स्थापित करने का निर्णय लिया है, इससे क्या होगा, इंडिया और नेपाल दोनों ही देशों में टूरिस्ट बढ़ेंगे, और आप जानते हैं जब भी किसी देश में टूरिस्ट आते हैं तो उस देश का रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ता है, उस देश की इकोनॉमी अच्छी होती है। तो ये पर्यटन मंच स्थापित होगा इंडिया और नेपाल में, जैसे नेपाल में भी टूरिस्ट बढ़ेंगे और इंडिया में भी टूरिस्ट बढ़ेंगे, तो दोनों ही देशों की इकोनॉमी अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत पर निर्यात नियंत्रण आसान किया है? तो ये अमेरिका ने इंडिया पर निर्यात नियंत्रण आसान किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इससे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने इंडिया को एसटीए फर्स्ट लिस्ट में शामिल कर दिया है। अब इसका क्या मतलब है, पहले तो आपको एसटीए की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रेटजिक ट्रेड ऑथराइजेशन, स्ट्रेटजिक ट्रेड ऑथराइजेशन, फर्स्ट लिस्ट में अमेरिका ने इंडिया को शामिल कर दिया है। इससे क्या होता है, निर्यात नियंत्रण आसान हो जाता है। जिस भी देश को अमेरिका इस लिस्ट में शामिल कर देता है उस देश पर निर्यात नियंत्रण आसान हो जाता है, तो इंडिया को शामिल किया गया है। यहां पे आपको ये याद रखना है, इंडिया पहला साउथ एशियन देश बन गया है जो इस लिस्ट में शामिल हुआ है, और अभी तक अमेरिका ने टोटल 36 कंट्रीज को इस लिस्ट में शामिल किया है, तो उन 36 कंट्रीज में अब इंडिया भी शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुंशी प्रेमचंद की 138वीं जयंती कब मनाई गई है? तो अभी हाल ही में मुंशी प्रेमचंद की 31 जुलाई को 138वीं जयंती मनाई गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था, इसीलिए 31 जुलाई को हर साल मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई जाती है। अगर आपने बचपन में हिंदी पढ़ी होगी तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, इनके उपन्यास बहुत पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सबसे फेमस इनका उपन्यास है गोदान, इसके अलावा और भी उपन्यास है वो मैं आपको बताता हूँ, आप नोट कर सकते हो, निर्मला, करबला, गबन, गोदान और रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट उपन्यास हैं मुंशी प्रेमचंद के। अभी जब वीडियो के लिए हिंदी में स्टार्ट करूंगा तो आपको हर चीज के बारे में डिटेल में बताऊंगा, हिंदी को मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी आप नोट कर लीजिए, मुंशी प्रेमचंद के फेमस उपन्यास कौन कौन से हैं, निर्मला, करमला, गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि और सेवा सदन। अब एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन बचता है मुंशी प्रेमचंद से, बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो आप याद रखना मंगल सूत्र है मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास। क्या नाम है उपन्यास का, मंगल सूत्र, ये मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला T20 में सबसे तेज अर्धशतक की बराबरी किसने की है? तो ये बराबरी की है स्मृति मंधाना ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यहां पे लिखा है बराबरी की है, यानी कि इनसे पहले किसी ने बनाया होगा, तो ये जो लिखी है मैंने सोफी डेविन, ये न्यूजीलैंड की प्लेयर हैं और इन्होंने 2015 में 18 बॉलों में अर्धशतक बनाया था, और स्मृति मंधाना ने अब 18 बॉल में अर्धशतक बनाकर इनके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अब यहां पे महिला टीम की बात आई है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार पूछा गया और बहुत स्टूडेंट का गलत हुआ, पूछा गया था कि नादिया एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, तो आप याद रखिए झूलन गोस्वामी को नादिया एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया गया, तो यह मनाया गया 29 जुलाई को, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया, मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं एक बार फिर बोलूंगा आपको, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना पता हो उतना आप लिखा करो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में मेघालय दूध मिशन कहां शुरू हुआ है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है, और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है,
तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हो। और इसके अलावा मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आपने मॉर्निंग में उठकर इस वीडियो को देखने की हैबिट डेवलप कर पाई है। अगर कर पाई है तो आप टाइम जरूर बताना कि किस टाइम आप इस वीडियो को देखते हो। आज की वीडियो का टारगेट आप याद रखना, आज की वीडियो का टारगेट है 25,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।